सोलेनोइड, ठीक है। हालांकि सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं बेटा हम लोग, है ना, फिर भी इसको एम्पियर्स लॉ की मदद से लिखते हैं निकाल करके। और सोलेनोइड कैसा बेटा, हमारा आइडियल सोलेनोइड, ठीक है बेटा। तो मान लो ये दो सेगमेंट स्ट्रेट लाइन, इसके बीच में हमारा सोलेनोइड है बेटा। तो सोलेनोइड कुछ ऐसा है, डार्क लाइन मतलब बाहर का लाइन और डॉट लाइन मतलब अंदर का लाइन, है ना बेटा। तो आइडियल सोलेनोइड में क्या मानते हो, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है बेटा, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, और अंदर में यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फील्ड, है ना बेटा, यस स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म फील्ड, है ना। तो देखो ऊपर वाली लाइन से हर जगह करंट इंटर कर रहा है ना बेटा, और नीचे वाली लाइन से हर जगह करंट बाहर निकल रहा है, यस सर, ठीक है। और हम जानना चाहते हैं कि इसके ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अंदर में क्या होगी, ठीक है। ये सब में करंट हमारा यूं जा रहा है, करंट हमारा है बेटा आई, इसमें एन हमारा है बेटा टर्न डेंसिटी। बोलो टर्न डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ पर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना बेटा। अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये आइडियल अगर है इसका मतलब इसका लेंथ बेटा इसके रेडियस से बहुत बड़ा है ना बेटा। तो देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी बेटा, देखो अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्स बनेगा बेटा, ऐसे बनेगा ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बोलो यस सर। ये आगे जा करके लूप बनाएंगे बेटा, बोलो ऐसे बनेंगे फील्ड लाइंस, बोल बेटा, ठीक है। तो अब देखो हमें बहाना लगाना है इसमें बेटा एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला क्या था बताओ, बी वेक्टर डॉट डॉट डीएल वेक्टर क्लोज बी लूप इंटीग्रेशन इज लाइन इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, है ना बेटा। तो मैंने देखा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है ना बेटा, तो हमने क्या किया एक लाइन ऐसा चूज कर लिया ए से बी, है ना बेटा। लेकिन ये तो सही में बहुत लंबा है ना बच्चा, यस। और हमें बनाना है फाइनाइट लेंथ का लूप, है ना बेटा। तो हम क्या किए यहां से स्ट्रेट परपेंडिकुलर बाहर निकल गए, है ना, और निकल के कहां सी पहुंच गए, फिर सी से इधर आए ये डी हो गया, और डी से ए पे वापस आ गए। तो तुम देखो बेटा इस केस में ये जो लूप हमारा है ना कंप्लीट हो गया ना, देखो लूप यस सर, हो गया कंप्लीट। तो देख तो बच्चा इस बी डॉट डी एल को ऐसे बोल सकते हैं क्या, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर ए से बी प्लस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बी से सी प्लस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर सी टू डी प्लस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर डी से ए। बोलो बेटा बोल सकते हो ना, बिल्कुल ठीक है बेटा। चलो मैंने मान लिया कि मेरा जो लूप है बेटा, इस लूप का जो ये डिस्टेंस है इसके मैंने मान लिया लेंथ एल, ठीक है। तो देखो बेटा ए से बी जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा है ना बेटा यूनिफॉर्म, बताओ मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा यूनिफॉर्म, यस है ना। सर, तो देखो तो इस ए से बी के लिए इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, बी इंटू एल, यस सर, और बी से सी के लिए जीरो। बोलो जैसे क्यों जीरो, सर वो स्लो बन आ रहा है ना, उसके लिए परपेंडिकुलर क्योंकि बदल परपेंडिकुलर पेंडिकुलर हो गया ना, और सी से डी में नेगलिजिबल, फिर है। यस सर, डी से ए में परपेंडिकुलर यस सर, यस सर, इज इक्वल टू। अब देखो बेटा यहां इतने सारे वायर इंटर किए, देखो किए ना, यस सर, तो अगर एल लंबाई है तो बोलो यहां से यहां तक कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एडल एन एल, है ना बेटा, इतने नंबर ऑफ टर्न्स, और हर टर्न में आई करंट, तो यस सर, एल कट गया बेटा, यस तो बी कितना आ गया म्यू नॉट सर, एन टर्न आई, ठीक है बच्चा। डेंसिटी आगे बात समझ में है सर, ना। तो चलो जैसे मैंने किया ना बेटा उसी तरह से तुम निकाल के बताओ मुझे, ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, इनफाइनाइट सीट, है ना, कैसे देखो कैसे आई है। एक ऐसा मानो बेटा सीट मान लिया ऐसा, ठीक है, ये हमारा अप टू इनफाइनाइट, ये भी हमारा अप टू इनफाइनाइट, ठीक है बेटा, है ना।
और ये हमारा इधर से भी इनफाइनाइट और अंदर भी इनफाइनाइट, ठीक है बच्चा। और पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट हमारा अंदर की ओर जा रहा है ना बेटा। और कितना करंट जा रहा है ये बेटा, के एम्पियर पर मीटर, एक मीटर की चौड़ाई में के एम्पियर का करंट है बेटा। हमसे पूछा गया बताओ यहां से इस वाले पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड यहां से एच की हाइट पे, सोचो करो। सर पहले सोलेनोइड वाले निकले सर पर करते हैं क्या? पहले सर सोलेनोइड वाला कर ले सर। हाँ लिख लो पहले सोलेनोइड लिख लो, उसके बाद वो ट्राई करो। सर करंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ शीट है। अलोंग द सीट बेटा। सर परपेंडिकुलर टू, जी सर। नहीं बेटा करंट जो हमारा होगा वो तो सीट के अलोंग ना होगा। सर आप जैसे मान लो ऐसे, जैसे ऐसे मान लो सीट्स हैं, ऐसे सीट है इनफाइनाइट, और जो मेरा फिंगर्स है ना बेटा, फिंगर्स करंट करेंग बार समझो ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक सर, ठीक सर।
हो गया बेटा सर, मी नॉट के बाई टू आया सर, मी नॉट के बाई टू, बिल्कुल सही, गुड, सबका आ गया बच्चा। सॉरी, बिल्कुल सही बेटा, b इक्वल टू म्यू नॉट के बाई टू, यही आएगा, गुड। जिसे इसमें किया था बेटा हम लोगों ने बिल्कुल वैसे ही करेंगे, है ना, इसको देख के समझ में हम लोग को आया होगा बेटा कि करंट अगर ऐसा गया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा, बोलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ऐसे ऐसे बनेगा बेटा, yes, है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बनेगा तो लूप ले लेंगे फिर से हम लोग, है ना, लूप कैसे लेंगे, उसी पॉइंट से पास करता हुआ, उसी पॉइंट से पास करता हुआ, है ना बेटा, यहां से ऐसे चले जाएंगे, फिर ऐसे आ जाएंगे, फिर ऐसे और ऐसे, है ना, अब बाकी सब लोग खुद से करना, कर लोगे, ठीक है बच्चा। तो ये तो हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, क्या हो गया हमारा बेटा, ये इनफाइनाइट सीट, है ना बेटा। अब चलो बात किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड से बात कर ली बेटा हम लोगों ने, है ना, अब चलो बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स की, ठीक है बच्चा, परमानेंट मैग्नेट्स की बात की जाए, ठीक। तो देख बेटा, परमानेंट मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, पहली बात तो ये है ना भाई, हमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा, समझ में आया, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो करंट भी हो सकता है, तो करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये भी समझ में आया, लेकिन परमानेंट मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड क्यों। तो उठता है क्वेश्चन कि अगर परमानेंट मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो क्यों है। इस सवाल का जवाब ये है बच्चा कि हर मटेरियल में तो एटम है ना, बोलो, तो परमानेंट मैग्नेट भी एटम है, और उसके एटम जो है बेटा, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी घूम रहे हैं, बोलो, है ना, जब उसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बेटा तो इलेक्ट्रॉन मोशन है ना, बोलो, इसका मतलब एवरी एटम, ईच एंड एवरी एटम ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, है ना बेटा, इज ए मैग्नेटिक सोर्स, बोलो बेटा, है ना, और हर उस एटम से बेटा बनता है मैग्नेटिक फील्ड, बोलो, इसलिए परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड है, है ना बच्चा। तो फिर तुरंत उठता है क्वेश्चन कि बेटा ये जो हमारा, हमने कहा अभी कि हर एटम में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बेटा, तो ये दुनिया के हर मटेरियल में है, बोलो, क्या इस बोर्ड में एटम नहीं है, बोलो, है ना, और अगर इस बोर्ड में एटम है बेटा तो इस बोर्ड के एटम के इलेक्ट्रॉन मूविंग नहीं है, कर रहे हैं, तो फिर इसके एटम से मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं हो रहा, इस बोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं हो रहा, उठता है ना क्वेश्चन, है ना बेटा, ईच अदर को सर कैंसिल कर देते सर, बिल्कुल सही बात, हम कहेंगे बेटा एक एटम थोड़ी है, यहाँ तो एटम बहुत सारे हैं ना, बोलो, yes, है ना बेटा, तो कहेंगे जनरल मटेरियल में, जनरल बॉडीज में क्या खास बात है कि उसके एटम्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को नलीफाई कर दे रहे हैं, बोलो बेटा, है कि नहीं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में इनके मैग्नेटिक फील्ड आपस में जुड़ करके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, बोलो बेटा, यही डिफरेंस हुआ ना, बोलो, ठीक है, तो क्या बात समझ में आई, पहली बात, तो कहेंगे बेटा इन परमानेंट मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाई मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एड अप, है ना, आपस में जुड़ जाते हैं, है ना बेटा, टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बोल बच्चा, है ना, जबकि बाकी मटेरियल में क्या होते हैं, ये सब एक दूसरे में कैंसिल हो जाते हैं, बोलो बेटा, है ना, लेकिन हमें तो ये पता करना है ना बेटा कि परमानेंट मैग्नेट से कितना मैग्नेटिक फील्ड, बोलो, है ना, तो अब सोच के देखो, कोई परमानेंट मैग्नेट का मटेरियल लोगे बेटा तो उसमें तो बहुत सारे एटम होंगे, बोलो,
है ना बच्चा, जब बहुत सारे एटम होंगे फिर तो ये निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बोलो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। अगर दो एटम हो तो समझ में आते, चलो पहले वाले का फील्ड निकाल लेते हैं, दूसरे वाले का फील्ड निकाल लेते हैं, और फिर रिजल्टेंट बोल देंगे बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस टू बी वन बी टू कॉस थीटा, बोलो। लेकिन यहां कितने एटम बेटा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, क्या इसको ऐसे ऐड कर पाना आसान है? नहीं, नहीं बेटा, ये तो बहुत मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन आ गया है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा, एक आइडिया सोचा, क्या सोचा देखो, का टू सिंप्लीफाई मैथमेटिकल एनालिसिस, है ना बेटा, मैथमेटिकल एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने आया सोचा। सुनना ध्यान से, जैसे कि देख बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चार्ज क्यू और एक चार्ज माइनस क्यू, है ना बेटा, प्लस क्यू चार्ज भी बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ, बनाता है ना, बोलो, है ना बेटा, माइनस क्यू चार्ज भी बनाता है चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, है ना। लेकिन जब दोनों आपस में मिल गए तो कितना चार्ज हो गया? जीरो। तो कोई फील्ड नहीं है, बोलो, है कि नहीं, बात समझा ना? ठीक, वैसे ही सोचो, ये बोर्ड है ना बेटा, ठीक, इसका एक एटम बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा एटम बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, लेकिन सब सारा कुछ मिल गया तो कितना फील्ड? जीरो। कुछ सिमिलरिटी दिखी? यस सर। ठीक, अब कहते हैं बेटा प्लस क्यू ये बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस क्यू ये बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मिल गया तब ना जीरो। अगर ये थोड़ा सा दूर रह गया ऐसे तो क्या बन गया? डाइपोल। डाइपोल, बोलो ना बेटा, और ये डाइपोल चारों तरफ फील्ड बनाएगा ना। यस सर। बिल्कुल वही समझो कि परमानेंट मैग्नेट में भी क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं, है ना, हर एटम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, लेकिन वहां कैंसिल नहीं हुआ, मतलब ऐसे भी हेल्प कर दिए दोनों, बोलो, है ना। तो क्या कहा गया कि हर परमानेंट मैग्नेट क्या है, अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल है, समझे बेटा? ठीक है, क्या मान लिया गया उसको? मैग्नेटिक डाइपोल मान लिया गया। ठीक है, और क्या कहा गया कि टू सिंप्लीफाई मैथमेटिकल एनालिसिस वी कंसिडर्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल इन परमानेंट मैग्नेट्स। समझा बच्चा, है ना, इस बात को ध्यान रखना कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हमारा है, ऐसी कोई चीज वाकई में होती नहीं है बच्चा, ऐसी कोई चीज वाकई में होती नहीं है, है ना। हम लोगों ने मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए मान लिया नॉर्थ एंड साउथ पोल, है ना बेटा, जस्ट लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझा बेटा, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस माइनस चार्ज मानते हो ना बेटा, उसी तरह से हम लोगों ने क्या मान लिया? नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, तो क्या कहे थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या कहा तुमने था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है ना बेटा, और नेगेटिव पे खत्म होती है ना। बिल्कुल वैसे यहां मान लिया गया, क्या मान लिया गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल, है ना बेटा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, है ना, एंड इंटरिंग इन साउथ पोल। ठीक है बेटा, कहोगे साउथ पोल में इंटर करेगी, है ना, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से तुम्हें क्या लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर निकल रही हैं और साउथ पे खत्म हो रही हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, देखो, ये हमारा मान लो परमानेंट मैग्नेट, एक बार मैग्नेट, है ना बेटा, एक मान लिया जाए बेटा बार मैग्नेट, है ना, तो बार मैग्नेट में क्या कहोगे कि अगर ये नॉर्थ पोल है और अगर ये साउथ पोल है ना, तो डायग्राम कैसे दिखाएंगे देखना बेटा,
जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम प्लस माइनस क्यू चार्ज का फील्ड बनाया था ना बेटा, बिल्कुल वैसे यहां ही बनाओगे। है ना, क्या कहेंगे बेटा, इस बाहर वाले एरिया में फील्ड लाइंस क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बनाती है ना बेटा क्लोज लूप। यस सर। तो यहाँ ये बनाएगी क्लोज लूप, बोलो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हें लगेगा कि नॉर्थ से निकल करके साउथ में इंटर कर रही है, लगेगा नॉर्थ से निकल करके साउथ में इंटर कर रही है ना बेटा, बात समझा है ना, ऐसा तुमको लगेगा। लेकिन अंदर में क्या होगा, साउथ से जाएगा बेटा नॉर्थ की तरफ, बात समझ रहे हो ना। बाहर में क्या लगेगा तुमको कि साउथ में आया खत्म हो रही है ना, और नॉर्थ से बाहर निकल रही है, लेकिन वास्तव में क्या होगा, अंदर ही अंदर वो साउथ से नॉर्थ जाएगी। ठीक है बेटा। तो हर मैग्नेटिक, हर परमानेंट मैग्नेट तो हमने कैसे माना, एक डाइपोल के जैसा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लिख लो इसको। सर ये मैग्नेट्स लिखा है क्या सर? कहाँ पे? डेफिनेशन लिखी है सर आपने नीचे। यहाँ? सर डायग्राम से ऊपर हल्का सा। डायग्राम से ऊपर? सर मैग्नेट डेफिनेशन। मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ ना? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटरिंग इन साउथ पोल फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है। इरेज कर दूं बेटा? यस सर। ठीक है। तो देख बेटा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस माइनस की होता है ना चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस तरह से प्लस माइनस क्यू चार्ज है ना बेटा, उस तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया है ना। लेकिन बेटा प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज के अलावा चार्ज का मैग्नीट्यूड भी तो होता है, बोलो, है ना। ठीक, दो कूलम्ब की चार कूलम्ब है ना। उसी तरह से यहां भी हम लोगों ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया और कहा पोल स्ट्रेंथ, है ना बेटा। इसको लिखा कैसे, स्मॉल एम। ठीक है बेटा, पोल स्ट्रेंथ इज एज्यूम्ड लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस तरह से तुम चार्ज का मैग्नीट्यूड बोलते थे ना बेटा, उसी तरह से यहां क्या मान लिया गया, पोल स्ट्रेंथ, है ना। ठीक है, हमने क्या माना बेटा कि जो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ पोल है वो क्या है, प्लस एम। ठीक है बेटा, और जो साउथ पोल है वो क्या है, माइनस एम। ठीक है बच्चा, है ना। ठीक, अब क्या कहा गया, और ये कहा गया बेटा, ईच परमानेंट मैग्नेट, हर परमानेंट मैग्नेट है ना बेटा, इज एज्यूम्ड लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, है ना बेटा। हर परमानेंट मैग्नेट क्या माना गया, एक मैग्नेटिक डाइपोल माना गया, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल थे। ठीक है, लेकिन जब हमने यहां देखा तो महसूस किया कि देखो बेटा, अंदर में फील्ड लाइन दिख रही है पैरेलल, बोलो, है ना, और तुम्हें दिख रहा है कि इसी खास पॉइंट से आकर फिर डाइवर्ज करनी शुरू हो गई, है ना बेटा। तो जहां से डाइवर्ज करनी शुरू हो गई, हमने कहा वहीं पे नाउ नॉर्थ पोल है, बोलो, ठीक है, और जहां से कन्वर्ज करना शुरू किया वहां बोल दिया हमने क्या, साउथ पोल है। ठीक है, तो बताओ तो नॉर्थ और साउथ पोल की दूरी इस बार मैग्नेट के लंबाई के बराबर है कि नहीं, ध्यान से देखना, नो सर, नहीं ना, थोड़ी कम है ना बच्चा, यस सर,
थोड़ी कम है ना, ठीक तो कहेंगे बेटा कि लेंथ ऑफ बार मैग्नेट की जो लेंथ होगी ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा ज्योमेट्रिकल लेंथ, उसको बोलेगा ज्योमेट्रिकल लेंथ एल जी, ठीक है बेटा, है ना। वेयर एज डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, है ना बेटा, इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। समझा बेटा, ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ अलग अलग चीजें हैं, है ना, ठीक है, ठीक बेटा। तो देख, जो मैग्नेटिक हमारा लेंथ है L, मैग्नेटिक लेंथ L, है ना बेटा, ये एक रफली 84% ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है बेटा, है ना, सिमेट्रिकल फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, समझे। जैसे कहने का मतलब, मान लो अगर मैं कहूं बेटा कि मेरा बार मैग्नेट 1 मीटर लंबा है, है ना बेटा, तो बताओ नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 0.84 सेंटीमीटर, बोलो 84 सेंटीमीटर, है ना बेटा, ठीक है। तो कितने का अंतर हुआ, 16 सेंटीमीटर का, है ना बेटा। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, इस तरफ से भी 8 सेंटीमीटर और यहां से भी 8 सेंटीमीटर, बोलो बेटा, yes, समझ गया, ठीक है बच्चा, है ना, ठीक है, हम लोग समझते हैं ना कि मैग्नेटिक पोल लेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, है ना बेटा, या नॉर्थ साउथ पोल वाकई में कुछ है नहीं, ये एज्यूम की हुई चीज है, बोलो बेटा, राइट ना, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर तुमने कहा कि तुम्हारे पास कोई बार मैग्नेट है, अगर कोई बार मैग्नेट है ना बेटा, ठीक, ये अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना बेटा, तो इसमें पोल स्ट्रेंथ क्या है, प्लस एम, इसमें पोल स्ट्रेंथ क्या है बेटा, माइनस एम, और ये क्या बन गया, एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गया, है ना बेटा। तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल एम इनटू लेंथ, बिल्कुल वैसे ही, कौन सा लेंथ है, देखो ये वाला लेंथ है बेटा, मैग्नेटिक लेंथ, है ना बेटा, एन कैप। तो बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे बोलते थे, नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ बोलोगे, बोलो यहाँ कैसे बोलोगे फिर, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, समझ गए बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा, मान लो अगर तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट हो, है ना बेटा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस एम, है ना बच्चा। अगर तुम इस बार मैग्नेट को ऐसे काटोगे, है ना बेटा, तो दो बार मैग्नेट बन जाएंगे ना बेटा, बोलो, बन जाएंगे ना, ठीक, ऐसे ऐसे बन जाएंगे बेटा दो बार मैग्नेट, है ना। तो हम कहेंगे देखो, यहां पहले से था ना बेटा नॉर्थ, यहां पहले से था बेटा साउथ, है ना, और जहां से कट के अलग हुआ यहां बन जाएगा बेटा नया साउथ स्मॉल एम, और जहां से कट के अलग हुआ वहां यहां नया नॉर्थ पोल स्मॉल एन, समझ गया बेटा, ठीक है। हम बोलेंगे बेटा कि देखो, पहले था मेरा यहां प्लस एम, था ना बेटा, बोलो, ठीक, और यहां था माइनस एम, बोलो बेटा, है ना, ये था माइनस एम, ये था प्लस एम, तो यहां पे क्या था, प्लस एम माइनस जीरो, जीरो, इसका मतलब प्लस एम माइनस एम दोनों था यहाँ पे एक ही जगह पे,
है ना, तो जो अलग हुआ तो अब ये हो गया माइनस एम, ये हो गया प्लस एम, है ना बेटा। लेकिन अगर मैग्नेटिक लेंथ अगर यहाँ पे एल थी तो यहाँ कितना हो गया बोलो, एल बाई टू हो गया ना, बोलो बेटा लंबाई आधी हो गई ना बेटा बोलो, ठीक। इसका मतलब अगर हमारा इसका डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम था बेटा, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बोलो, एम बाई टू होगा, इसका भी एम बाई टू होगा बोलो, बात समझ गया ना। और अगर मैं कहूं बेटा कि इसको ऐसे काटो, इसको ऐसे काटने बोलू तुमको, अगर ऐसे काटने बोलू है ना बेटा, तो ऐसे कटेगा बेटा तो क्या होगा बोलो, पतला हो जाएगा मैग्नेट, बताओ ऐसा बोल बेटा, ऐसा हो जाएगा ना बोलो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एन जो था बेटा ये बन जाएगा दो स्मॉल एन, और कैपिटल एस जो है बेटा वो दो स्मॉल एस हो जाएगा बोलो। लेकिन लंबाई पे असर पड़ी क्या, नहीं नहीं बेटा। तो देखो अब क्या होगा, अब कहोगे तुम कि देखो बेटा जो पहले हमारा प्लस एम था ना वो आधा आधा बट गया ना बेटा, तो हम कहेंगे देखो ये हो गया m बाई टू और ये भी हो गया m बाई टू, ठीक है, और ये हो गया माइनस m बाई टू और माइनस m बाई टू, ठीक है बेटा, और लंबाई वही रह गई ना, yes, इसका मतलब कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, तो m बाई टू हो गया, बोलो बेटा m बाई टू। इसका मतलब मैग्नेट को चाहे ऐसे काटो या ऐसे काटो डाइपोल मोमेंट हमेशा आधा होगा, ये बात समझ में आ गई। मैग्नेट को यूं काटा जाए या यूं काटा जाए हमेशा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट हमेशा आधा हो जाएगा, ठीक है, लिख लो। हाँ शुक्ला जी कर देंगे बच्चे, लिख लिया, यस सर, पर एक मिनट सर। इरेज कर रहा हूं बच्चा, देखो लास्ट वाला मत करना सर, ठीक है। देख बेटा इसमें हम लोग सबको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा है ना, इसमें हम कहेंगे बेटा लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा कैसा, तो देख बेटा अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो प्लस क्यू है ना बेटा, तो यहां से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बोलते हो ना बोलो, है ना बेटा, और क्या बोलते हो बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये बोलते हो ना बेटा, ठीक है। अब तो बेटा प्लस क्यू तो नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे इसको प्लस एम, बोलो बेटा, अगर कहेंगे नॉर्थ पोल है ये तो ये प्लस एम है, बोलो बेटा, ठीक है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, है ना बेटा, और बोलो मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट क्या होता है, बोलो बोलो, म्यू नॉट बाई फोर पाई ना बेटा, क्यू की जगह हो जाएगा हमारा एम,
है ना, और कहेंगे अगर ये साउथ पोल है तो साउथ पोल का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस एम पोल बेटा, है ना। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो जाएगी बेटा, बोलो होगा ना। यस सर, ये बात समझ में आई बेटा। है ना, अगर कहोगे बेटा कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले से है ना बेटा, और यहां अगर नॉर्थ पोल हो तो कहेंगे इस पे ऐसे फोर्स लगेगा एम बी, समझ रहे क्यू ई, है ना बेटा। और अगर साउथ पोल हो तो उस पे ऐसे फोर्स लगेगा बेटा क्या, पीछे की तरफ क्यू ई, एम बी की जगह हो गया एम, बोलो। यस सर, ठीक है बच्चा। यस सर, तो यहाँ फोर्स ही बोलेंगे ना बेटा ऐसे ही, के क्यू वन क्यू टू पे आर एस का बोले थे ना हम लोग, तो यहाँ आपस में फोर्स ही बोल सकते हैं बेटा हम लोग, कैसे, वन म्यू नॉट बाई फोर पाई एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, बोलो बेटा, है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल ट्राइपोल क्वाड पोल में एग्जिस्ट, है ना बेटा। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर सकता है ना, बट मोनोपोल्स मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। मोनोपोल का मतलब क्या, मोनोपोल का मतलब अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ, कभी नहीं होता। जब भी होता तो क्या होता है, डाइपोल हो सकता है, ट्राइपोल हो सकता है, क्वाडपोल हो सकता है ना बेटा। ठीक है, जैसे कि जानते ही हम लोग डाइपोल हो गया बेटा, है ना बेटा, ऐसे कहेंगे तो कह सकते हैं बेटा ट्राइपोल, नॉर्थ नॉर्थ साउथ, बोलो बेटा, है ना। हम यू बोल सकते हैं बेटा साउथ साउथ नॉर्थ, बोलो बेटा, है ना। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर ट्राइपोल है बेटा तो ये प्लस एम माइनस एम है, और अगर ये ट्राइपोल है तो ये प्लस एम है, ये प्लस एम है और ये माइनस टू एम है ना बेटा। यहाँ ये माइनस एम है, ये माइनस एम है, तो ये क्या है, प्लस टू एम है। नेट पोल स्ट्रेंथ हमेशा जीरो करना, ठीक है, लिख लो। इरेज कर दूं बेटा सर, लास्ट वाला तो उसी तरह से बेटा क्वाड पोल भी हो सकता है ना, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, या नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, बोलो। डन सर। ओके बेटा, अब देख बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, मतलब कहो डाइपोल, डाइपोल की वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल वैसे ही करेंगे बेटा जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल का किया था, है ना। कि मान लो अगर हमारे पास एक डाइपोल हो, है ना बेटा, इस डाइपोल में ये साउथ पोल हो बेटा और ये नॉर्थ पोल हो, है ना, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे बताओ, साउथ साउथ से नॉर्थ की तरफ, है ना बेटा, कितना कैपिटल एम लिखते हो ना इसको, है ना बेटा। और बताओ इस लाइन को क्या बोलते थे, याद करो तो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस बोलते थे ना, बोलो बोलो, एक्सियल पोजीशन, बोलो बेटा, yes. यहाँ बोलते थे एक्सियल पोजीशन,
और बोलो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? 2kp/r³ है ना बेटा। इधर वाला पॉइंट पे क्या बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो यहाँ बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन 2 म्यू नॉट बाई 4π है ना बेटा, 2m/r³। बोल बेटा सेम डायरेक्शन में है ना बेटा। फिर बोलते थे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पीछे की तरफ उल्टा ना, बोलो क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल प्लेन पे, इक्वेटोरियल इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बाई 4π एम बाई आर क्यू टू है ना बेटा, kp/r³ माइनस kp/r³। बोलो 2kp/r³ और kp/r³। बोलो बेटा बात समझा ना। उसके बाद बोलते थे बेटा जनरल पॉइंट पे, बोलो जनरल पॉइंट कैसे बोलते थे, यहां से थीटा एंगल ले लो है ना, थीटा एंगल पे कोई पॉइंट लो, हम लोग क्या करते थे इसका दो कंपोनेंट बोलते थे ना बेटा, हम लोग बोलते थे इसके इस कंपोनेंट से ऐसे फील्ड होगा बी रेडियल म्यू नॉट बाई 4π 2m cos theta by r³ है ना बेटा। और एक ऐसे होता था कंपोनेंट, उसकी वजह से ऐसे बोलते थे बेटा हम लोग b tangential। बोल बेटा बोलते थे ना, बोलो बेटा है ना, कितना बोलते थे हम लोग, बोलते थे बेटा हम लोग b रेडियल कितना था बेटा म्यू नॉट बाई 4π 2m cos theta by r³ b tangential म्यू नॉट बाई 4π m sin theta by r³ है ना बेटा। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे बी और यहां से एंगल अल्फा है ना बेटा, बी क्या बोलते थे रिजल्टेंट म्यू नॉट बाई 4π एम बाई r³ स्क्वायर रूट 3cos θ+1 याद आया बेटा। और ये एंगल क्या बोलते थे याद करो, tan alpha is equal to क्या, tan alpha equal to half of tan theta। बोलो बेटा ठीक है ना। लेकिन इन सारे फॉर्मूले में एक बात याद आया, आर जो था बेटा ये बहुत बड़ा हुआ करता था डाइपोल के साइज से। बोलो ठीक है बेटा। अब सुनना ध्यान से, एकदम गौर करना। देख बेटा मैंने सोचा कि चलो इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ कंपेयरिंग विथ ए क्वाइल, इसको क्वाइल से कंपेयर करते हैं ना बेटा। तो देख तो बेटा जैसे ये मैग्नेट का है ना बेटा एक्सिस है ना, उसी तरह से ऐसे भी एक क्वाइल बोल सकते हैं बेटा हम लोग। बोलो बोल सकते हैं ना, बोलो बेटा। इसमें कह दिया मान लो ऐसे ऐसे करंट है, बोल बच्चा है ना, तो बताओ तो यहां से x की दूरी पे, यहां से x की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल चुके हो ना बेटा। चलो x की जगह मैंने बोल दिया r और ये रेडियस है बेटा कैपिटल R है ना। तो बोलते इसके पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बोला करते थे, म्यू नॉट I n r स्क्वायर कैपिटल R by 2 स्मॉल r स्क्वायर ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ कहा है बेटा कि ये r इससे बहुत बड़ा है, ये दूरी जो है बेटा ये इसकी लंबाई से बहुत बड़ा है ना। अगर मैं ऐसा कहूं कि ऐसा कर लो तुम कि r मान लो कैपिटल R से बहुत बड़ा है तो क्या हो जाएगा बताना फिर, म्यू नॉट आई कैपिटल एन
आर स्क्वायर अपॉन टू स्मॉल आर। बोलो, बोल सकते हैं ऐसा? यस सर। है ना बेटा? ठीक, सुनना गौर से। तो यूं बोल सकते हैं क्या बेटा, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू टू एन आई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यू। देखो तो ठीक है। अब मैं बोलूं तुमको कि इस वाले को इस वाले से कंपेयर करो, क्या कुछ फॉर्मूले एक जैसे दिख रहे हैं बेटा? बोलो। यस सर। यस सर। क्या दिख रहा है समानता, कि m की जगह पे क्या है? n i पाई आर स्क्वायर ना बेटा। अब चलो एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन के इस स्ट्रक्चर को देखा जाए। तो देख बेटा, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर नोट कर चुके हो क्या? यस सर। पाई नोट कर लो, पाई नोट कर लो तुम, फिर इसके बारे में बात करते हैं। बाकी बच्चे भी कर लो नोट। हो गया सर। नो सर। हो गया सर। देख बच्चा, अब कहा मैंने बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे गौर करो एक बार। तो देख बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेंगे स्ट्रक्चर देखना बेटा। बोलो बेटा। ठीक है, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ पे जाएगा। बोलो बेटा। ठीक है ना? अब मैं कहूं इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताना बेटा। अगर इस तरफ से देखोगे है ना, तो फील्ड लाइन कैसा दिख रहा है बताओ? कैसा दिख रहा है करेंट? एंटी क्लॉकवाइज ने बेटा। यस सर। एंटी क्लॉकवाइज मतलब फील्ड लाइन बाहर निकलेगी। बोलो है ना बेटा? ठीक, अब इधर बताओ, इधर से कैसे दिख रहा है? इस तरफ से क्लॉकवाइज तो बोलेगा फील्ड लाइन इंटर करेगा। बोलो। यस सर। है कि नहीं? है ना? हम भी जानते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए लूप। यस सर। है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे इसकी देखना। साइकिल नहीं है बेटा एग्जैक्ट। बोलो, ऐसे बनेगी बेटा। ठीक है, अब थोड़ा इस बात को महसूस करो, शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इन मैग्नेट्स को अगर दबा दें तो ऐसा बन जाएगा फील्ड लाइंस। इन फील्ड लाइंस को दबा दो तो ऐसा बन जाएगा ना? यस सर। मतलब ऐसा देख के लग रहा है कि इसकी ये जो है ना, ये लंबाई बहुत छोटी है। यस सर। बोलो, है ना बेटा? ठीक, तो देखो तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, ईच एंड एवरी, या नहीं लिखता हूं, आगे लिखता हूं,
ठीक है बेटा, पहला पॉइंट लिखूंगा बेटा मैं कि ईच एंड एवरी करेंट कैरिंग, करेंट कैरिंग लूप और क्वाइल आर इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है किसके, तो कहेंगे टू ए मैग्नेटिक डाइपोल। बोल बच्चा, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल के इक्विवेलेंट है ना बेटा, ऑफ ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। कितना डाइपोल मोमेंट, तो कहेंगे डाइपोल मोमेंट एम इज इक्वल टू, क्या कहेंगे बोलो, एम की जगह पे क्या है, एन आई पाई स्क्वायर, एन आई एरिया, बोलो बेटा एन आई एरिया है ना बेटा, बात समझा ना। अब देखो बेटा, इसमें जो नॉर्थ पोल है बेटा है ना, वो यहाँ है बोलो, और जो साउथ पोल है वो इधर है, यस सर, है ना बेटा। इसका मतलब क्या कहेंगे कि जो इसका एंटी क्लॉकवाइज फेस है बेटा, जो एंटी क्लॉकवाइज फेस होगा वो क्या होगा बोलो, नॉर्थ पोल होगा, और जो इसका क्लॉकवाइज फेस होगा वो क्या होगा बोलो, साउथ पोल होगा, है ना। तो कहोगे एम का डायरेक्शन इसमें क्या होगा, बाहर की तरफ, और इसमें क्या बोलोगे एम का डायरेक्शन, अंदर की तरफ। अगर ऐसा फेस तुम्हारे सामने है तो बोलोगे कैपिटल एम जो है मैग्नेटिक मोमेंट वो बाहर की तरफ है, और ऐसा फेस तुम्हारे सामने है तो अंदर की तरफ है। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई, yes. है ना बेटा। अब इसका हम फायदा उठाएंगे कि देखो बेटा, इसके वजह से हमें यहां तो फील्ड का फॉर्मूला पता था बेटा, लेकिन यहां पता था क्या बोलो फील्ड का फॉर्मूला नहीं, नहीं ना। तो अब हम बोल सकते हैं ना बेटा कि ये इस डाइपोल का इक्वेटोरियल प्लेन है, वहां फिर लिख देंगे नाम लोग, अब माइनस के माइनस मी नॉट अपॉन फोर पाई एम बाई आर क्यू। बस ध्यान रखेंगे इस बात का बेटा कि ये डिस्टेंस क्या, रेडियस क्या होना चाहिए, उस दूरी से बहुत छोटा होना चाहिए, तभी लिख पाएंगे हम लोग। क्लियर है बच्चा, बात समझ में आई, ठीक है। जिस तरह से हम लोग कहते थे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, अगर दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में हो, है ना, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने कहा बेटा कि एक्सटर्नल फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है ना बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है बेटा, ठीक। तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में क्या कहोगे, ये मान लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इमेजिन करो कि एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, है ना बेटा, इसमें एक बार मैग्नेट रखा हुआ है ऐसा, ऐसा एक बार मैग्नेट, है ना बेटा, नीचे इधर हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल, तो मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा बच्चा, ऐसा होगा, बोलो होगा, होगा ना, बोल बेटा, ठीक है ना। अब सीख चुके हैं बेटा हम लोग कि करंट कैरिंग क्वाइल भी अपने आप में एक डाइपोल है, है ना। तो इसके बजाय हम ऐसे भी तो कह सकते थे बेटा कि एक क्वाइल मान लो ऐसा जिसमें करंट जा रहा हो, बोलो बेटा, है ना, है ना बेटा। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसा हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा ना एम, ठीक। यहाँ ये एंगल थीटा है बेटा और यहाँ पे ये एंगल थीटा है, बोलो, ठीक है। तो बताओ, तो क्या पढ़ा तुमने था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो तो नेट फोर्स कितना लगता है,
बोलो सर कितने जीरो ना बेटा सर यहाँ प्लस एम है यहाँ माइनस एम है तो ऐसे फोर्स लगेगा एम बी या ऐसे फोर्स लगेगा एम बी दोनों कैंसिल हो जाएगा बोलो है ना बच्चा नेट टॉर्क क्या था बोलो टू पी साइन थीटा पी क्रॉस ई पी साइन थीटा तो यहाँ क्या होगा बोलो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोलो बेटा लगेगा ना ठीक है और बोलो फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल एनर्जी क्या था बोलो ई वन माइनस कॉस थीटा माइनस पी डॉट ई माइनस एम माइनस पी डॉट ई यहाँ क्या कहेंगे माइनस एम डॉट बी माइनस एम डॉट बी बोलो बेटा है ना ठीक है पहले क्या बोलते थे बेटा टाइम पीरियड बोलो टी बराबर टू बाई रूट ओवर आई बाई पी ने बेटा आई बाई एम बी बोलो कोई दिक्कत है ना इसके बोलते थे मैग्नीट्यूड में एम बी साइन थीटा तो बोलो बेटा टॉर्क जीरो करने के लिए क्या एंगल पुट करना पड़ेगा जीरो जीरो और पाई पाई यस सर जीरो स्टेबल पाई अनस्टेबल बोलो यस सर नोट कर लो फटाफट सर बोलो सर इसमें जो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में सर आई है वो किसके लिए आई बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ओके सर डन सर सर एक मिनट सर हो गया बच्चा अगर बोलते हो बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म ना हो तो आवाज आ रही है नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड याद आया बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड में था नॉन यूनिफॉर्म बोलो बेटा तो मान लिया ऐसा फील्ड बोलो फील्ड क्या दिखा रहा है इंक्रीज करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा यस ये इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा ये मान लो हमारा फील्ड ये है बेटा बी है ना अब मान लो बेटा यहाँ एक डाइपोल रखा है तुम यू भी कह सकते हो कि एक बार मैग्नेट है बेटा ऐसे रखा हुआ बोलो नॉर्थ साउथ पोल या यू भी कह सकते हो बेटा कोई क्वाइल है करंट कैरिंग क्वाइल बोलो आई करंट वाला नंबर ऑफ टर्न इसमें एन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अभी हमारा ऐसा है बेटा बोलो
ठीक है ना बच्चा। तो इसके बीच में फोर्स क्या लगता है बेटा, इस पे फोर्स याद है ना, एफ बराबर पी डेल बाई डेल आर, एम डेल बी अपॉन डेल आर। तुमको इस्तेमाल करने का फॉर्मूला बताइए, क्या कहा था मैंने कि R और P सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। अभी भी क्या कहोगे, R और M सेम डायरेक्शन में, है ना बच्चा। वैसे ही टॉर्क का फॉर्मूला सेम ही रहता है, बताया था M क्रॉस E, M क्रॉस B, पोटेंशियल बस B किसका, सेंटर वाले पॉइंट का ना बेटा, और U इक्वल टू माइनस M डॉट B, लिख लो। इसके क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे ही होंगे। बोल बच्चा, अभी क्या करना है बताओ, डिस्कस हम लोग को होमवर्क में। वेव ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 और एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और 2 पार्ट 1। ओके सर, सेक्शन जी में सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सर, वेव ऑप्टिक्स में। यस सर, देख लेते हैं बच्चा। तुम लोग इसका मतलब फॉर्मूला याद नहीं किया, डिस्पर्शन वाला, डिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला। इसमें सिर्फ फॉर्मूला ही है बेटा, कुछ खास कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। देखो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 बोल रहे थे ना सर, एक्सरसाइज 4 पार्ट 2 भी दिया था और सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 भी दिया था। अच्छा दोनों दिया था, ठीक है। 2 1 पार्ट 2 निकालो पहले। बोलो सर, G5 देखिए, डाउट G5 बाकी सब हो गया इधर, B5 बोला था। ओके देखो बेटा, B5 में कहता है इन वाईडीएसी में बेटा हमारा दिया है स्मॉल d इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड कैपिटल d इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है बच्चा। अब कहता लैम्डा हमारा है 6000 एंगस्ट्रम, है ना। हमसे कहता है स्लिट्स प्रोड्यूस सेम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। मतलब I1 बराबर I2 इज इक्वल टू, चलो मान लेते हैं I0। अब कहता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन हैविंग 75% इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज। तो देखते बच्चा, रियल्टी इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ, I रियल्टेंट इक्वल टू 4I0 cos square pi by 2, बोलो बेटा, है ना। और इसके बारे में क्या कहा है ये कि 75% का मतलब 3/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया बेटा 4I0। तो ये हो गया 4I0 cos square pi by 2, इसका मतलब बेटा cos pi by 2 is equal to plus minus root 3/2, बोल बेटा होगा। बोलो यस सर,
है ना, तो बताओ 5 बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चा, कहोगे ना एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, बोलो पाई कितना हो जाएगा बेटा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, बोलो बेटा होगा ठीक, ये बात समझे, तो बोल बेटा फाई इक्वल टू क्या होता है फेज डिफरेंस, तो कहोगे ना 2 पाई बाई लैम्डा इन टू डी साइन थीटा, बोलो बेटा होता है ना इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, है ना बेटा, चूंकि हमें दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है बेटा, तो ऑब्वियसली बात है कि एंगल बहुत छोटा होगा, है ना, तो एंगल अगर बहुत छोटा होगा बेटा तो ऐसे बोल सकते हो क्या 2 पाई बाई लैम्डा डी इन टू साइन थीटा y बाई डी, बोलो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, पाई कैंसिल कर लो, पाई कैंसिल कर लोगे बेटा तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी इन टू एन प्लस माइनस 1 बाई 6, बोल तो बेटा होगा, तो तुम इस n के वैल्यूज को अलग अलग पुट करो और बोलो बेटा डिफरेंस ऑफ y का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, बोलो बोलो मिलीमीटर, बोलो बेटा होगा 2 × 10⁻⁴ 0.2 मिलीमीटर बेटा कम से कम हुआ ना, यस सर डी वन, और बोलो D1 ना, हाँ देखो कहता है बेटा टू यंग्स टू स्लिट्स, यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज डन विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम, ठीक है बेटा, अब कहता है आगे कि स्लिट्स हमारे जो है बेटा वो 2 मिलीमीटर दूर है, The fringes are observed on a screen. Fringes को देखा गया बेटा स्क्रीन पे, जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है स्लिट से. Now a transparent plate of thickness 0.5 millimeter is placed in front of one of the slits, and it is found that the interference pattern shift by 5 millimeter. है ना? Refractive index of plate क्या होगा? है ना बेटा? कहता एक के सामने, ये मान ले बेटा दो slits हो गए हमारे, है ना? और ये हमारा हो गया बच्चा स्क्रीन, अब कहता है यहाँ पे लगा दिया बेटा स्लैब, तो बोलो अब कहाँ पहुंच जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ ना पहुंच जाएगा, बोलो यस सर, यहाँ से कुछ ऊंचा हो जाएगा ना, वाई जिसने ऊंचा था ही वाई की वैल्यू पूछा है बेटा हमसे ना, कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट कर जाएगा, जितना सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट करेगा बच्चा उतना ही ना पूरा पैटर्न शिफ्ट करेगा बेटा, है ना, तो बोलो बेटा इसको लगाने से है ना बेटा, अब यहाँ कितना बोल, यहाँ कितना होना चाहिए पार्ट डिफरेंस बताओ, यहाँ होना चाहिए बेटा म्यू माइनस वन इंटू टी, बोलो बेटा है ना, और हमने कहा कि यहाँ पे हो गया बच्चा सेंट्रल मैक्सिमा, इसका मतलब डी साइन थीटा इसको मेकअप कर दिया, बोलो है ना, और एंगल बहुत छोटा है ना बच्चा, बोलो तो म्यू माइनस वन इक्वल टू कितना हो गया स्मॉल डी इंटू साइटा बाई टी, एंगल बहुत छोटा है बेटा तो साइटा इक्वल टू टाइटा बोल सकते हो, यस सर बोल सकते, कितना हो गया म्यू माइनस वन इक्वल टू स्मॉल डी, कितना है बेटा 2 मिलीमीटर है पार्ट, और टी हमारा कितना था 0.5 मिलीमीटर, और ये कितना हो जाएगा वाई बाई डी, वाई डी वाई हमारा लिखाता है 5 मिलीमीटर, 5 mm बाई कैपिटल डी कितना 10 सेंटीमीटर आवे, तो 0.1, बोलो अब निकल गया म्यू, बात समझ में आई बेटा, यस आगे चलो सर, G5 सर E2 देख तो बच्चा E2 में कहता है स्मॉल डी है 45 डिग्री एंगल
सेंट्रल मैक्सिमा की दूरी निकालनी है ना बेटा। तो देखो ध्यान से, तो बेटा जो लाइट यहां से ऐसे जा रही है बेटा, है ना ठीक, वो तो जब यहाँ पे जाएगी तो ऐसे हो जाएगी, बोलो क्योंकि फोकस पे ना है, बोलो है ना। तो हो क्या रहा है देखो बेटा कि 45 पे अगर आएगा तो 45 पे ऐसे आएगा रिफ्लेक्ट करके, बोलो। अरे महसूस कर रहे हो बेटा, जो भी लाइट यहाँ पहुंचेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद ही पहुंचेगी ना। इसका मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से अगर कोई फेज गेन है तो दोनों में सेम ही ना है बेटा। समझते हो ना। देखते बेटा अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखो मैंने कहा कि जो कहानी दी हुई थी है ना बेटा, उस कहानी का कुछ खास फायदा नहीं है ठीक ना। ये ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा सिंपल तरीके में चेंज कर दिया मैंने कहानी को ऐसे कि तुम ये इमेजिन करो कि लाइट ऐसे गिर रही है, बोलो बोलो बेटा है ना, और कितने एंगल पे आ रही है बोलो, 45 डिग्री पे। तो ऐसे आने से यहाँ पहले से कितना आ जाएगा बोलो, पार्ट डिफरेंस है ना बच्चा ठीक। इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, बोल बेटा थीटा एंगल पे। तो कहेंगे यहाँ तो हो जाएगा पार्ट डिफरेंस कितना, डी साइन थीटा है ना। तो एट सेंट्रल मैक्सिमा अगर नेट पार्ट डिफरेंस जीरो है बेटा, इसका मतलब दोनों पार्ट डिफरेंस मेकअप हो गया। इसका मतलब क्या कहेंगे बेटा, डी साइन 45 इक्वल टू डी साइन थीटा। तो थीटा आ गया बेटा 45 डिग्री। बताओ अगर ये 45 डिग्री है तो फिर आंसर ही ना होगा बेटा, बोलो डिवाइड रूट टू होगा ना बेटा, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है यार। और बोलो आगे, ये लिखा है C1, अभी लिखा है C1, अभी को C1 पूछना है। देखो भाई अभी कहता है बेटा ऐसा होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन व्हाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन, बोल बेटा व्हाइट लाइट अगर तुम डालते हो तो सेंट्रल मैक्सिमा पे कैसा आता है, इंटेंसिटी आता है ना मैक्सिमा। Yes, तो इस डायग्राम को देख के महसूस करो और कहोगे बेटा कि सेंट्रल मैक्सिमा तो यहाँ पे होगा, बोलो डिवाइड टू पे होता है ना बेटा, बोलो बच्चा। Yes, इसका मतलब यहां से यहाँ की दूरी तो डिवाइड टू होनी चाहिए, बोलो है ना बेटा। Yes, और ये हमारा 2D/3 है ना, तो फिर ये हमारा कितना होना चाहिए वो निकाल सकते हो, D/2 - D/3, बोलो होगा D/2 - D/3 D/6। आगे बात समझ में, और बोलो आगे। G5 ग्लास प्लेट placed vertically on a horizontal table with a beam of unpolarized light falling on surface 57 degree with the normal. Electric vectors in the reflected light on the screen S will vibrate with respect to the plane of incidence. बोल बेटा, polarization किस direction में होता है? Reflection के plane से perpendicular ना बच्चा? Yes sir. तो reflection के plane से perpendicular कैसा? Reflection का plane कैसा दिख रहा है तुमको अभी? है ना बेटा horizontal plane? रिफ्लेक्शन का प्लेन देखो ओरिएंटल है ना। यस सर। अच्छा हाँ सर, होगा पोलराइज सर, परपेंडिकुलर। आगे बोलो और। ठीक सर, दोबारा ट्राई करेंगे क्वेश्चन सर करना। आगे बोलो, फेस टू पार्ट वन में एक से पांच छठा
देखो छठा है बेटा, कहता है एंगल थीटा पे क्या होगा अगर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना बेटा। तो देखो तो इस डायग्राम को अगर देखो बेटा, तो अगर ये दोनों S1 S2 स्लिट्स हैं ना बेटा, अगर ये दोनों बेटा S1 S2 हमारे स्लिट्स हैं है ना, ठीक, तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये ना है बेटा, बताओ है कि नहीं। तो अगर हम ये एंगल लिया करते थे तब बोलते थे पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा बोलते थे ना, तो अभी क्या हो जाएगा पार्ट डिफरेंस बोलो, डी कॉस थीटा हो जाएगा बेटा, डी कॉस थीटा होगा ना। और कहता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है बेटा, है ना, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो यहाँ तो दिख रहा है पार्ट डिफरेंस जीरो और यहाँ पार्ट डिफरेंस दिख रहा है बेटा 2 लैम्डा, तो बीच वाला पॉइंट एक ही बचता है ऑप्शन लैम्डा का ना, बस लैम्डा। इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय d इज इक्वल टू हाफ, तो एंगल बताओ कितना आएगा, 60 डिग्री। समझ गए 10 तक 7। देखो तो बेटा इन द फिगर शोन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इस फिगर में पैरेलल बीम लाइट दिया है बेटा, और क्या कहा गया है, लाइट इंसिडेंट ऑन द स्लिट S1 passes through a medium of variable refractive index mu equal to 1 plus ax because the rest of space is filled with air, ठीक है। अगर O पे मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो महसूस कर रहे हो ना बेटा, ये वाला जो स्लैब बेटा इसी की वजह से आएगा ना बेटा पार्ट डिफरेंस, बस है कि नहीं, बस समझ रहे बच्चा। ऐसा किया मैंने किसी एक्स की दूरी पे है ना, मैंने कहा ऐसा करो एक पतला सा मान लो स्लैब ऑफ थिकनेस dx का, ठीक है, तो बोलो तो बेटा इस dx की वजह से कितना होगा पार्ट डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू dx μ - 1 dx μ - 1 into dx। इसका मतलब हो जाएगा बेटा ax into dx, बोलो बेटा है ना, तो बोलो तो नेट पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to L, बोलो इसका yes. मतलब एल स्क्वायर बाई 2, बोलो बेटा है ना। इस वाले ओ वाला पॉइंट है बेटा, जो भी पार्ट डिफरेंस है वो सिर्फ यही ना पार्ट डिफरेंस है, और हमें कहा गया वहां मिनिमा होना चाहिए, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा बेटा, बताओ -1 लैम्डा बाई 2 होगा ना बच्चा, कम से कम कहा गया ना हमको, तो ए का वैल्यू कितना हो गया लैम्डा बाई एल स्क्वायर। आगे बात समझ में, आगे बोलो 10। ए पैरेलल मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन नैरो स्लिट, ए डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्मड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर placed normally on a slit, ठीक है, वाले diffraction pattern देखा गया है screen perpendicular to diffraction incident beam, at the first minimum of the diffraction pattern the phase difference between the rays coming from the two edges of the slits is, अरे बेटा slit के दो edges हैं ना बेटा, है ना, याद कर तो हम लोग मिनिमा के चीज़ निकालते हैं, बोलो ऐसे बोलते थे ना, याद करो कैसा करो, एक पॉइंट यहाँ लो और एक पॉइंट यहाँ लो, बोलो तो पार्ट डिफरेंस क्या बोलते थे, लैम्डा बाई 2 बोलते थे ना, बताओ तो इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, तो इसके बीच में क्या होगा पार्ट डिफरेंस, डबल हो जाएगा ना, बोलो मतलब 2 पाई हो जाएगा ना, आंसर देखो क्या है, 2 पाई है, एक मिनट चेक करो, यस सर। आई समझ में बात की नहीं आई, ठीक है तो चलाएगा, दे रहा हूं बच्चा होमवर्क। आगे का होमवर्क में वेब ऑप्टिक्स में एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 है ना बेटा, और एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कर लोगे, बोलो। चलो फिर करके आना बच्चा।
मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, बाय बच्चा, बाय सर।